नमस्कार दोस्तों, आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अशोका डिजिटल ग्रुप पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हार्दिक अभी आप लोगों की जो रीट महाकुंभ में आपका एसएसटी का पेपर जो 26 फरवरी 2023 को संपन्न हुआ है उस ट्रांसफर की आज हम लगाने वाले हैं। और हम दोस्तों देरी ना करते हुए इसे शुरू करते हैं। देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, डांगरिया सांचौर नाथलपुर एक्सप्रेस वे होकर नहीं गुजरता वह जिला है, हम देखेंगे बाकी सारे जिले गुजरते हैं, जैसलमेर जो है ये नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? संत चरणदास जी की समाधि है वो अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थानी लोक में पहेली ने कई क्यों जावे, राजस्थानी भाषा को यहाँ पे प्रयोग में लाया गया है तो यहाँ पे कहा जाता है आड़ी। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? मैं देखेंगे कि जो न्यूनतम साक्षरता दर है वो बाड़मेर की नहीं है, अर्थात जो असम्मिलित है ऑप्शन रहेगा अपना ये असम्मिलित है, ये असम्मिलित है। हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, वह कौन सा कवि जानकारी भक्ति और चमत्कार की वजह से लोग माने परमेश्वर रे समान बतावन ला गया, वो जो आपके कवि हैं वो बारहट ईश्वरदास जी हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे हम, लारा चूना पत्थर क्षेत्र किस जिले में स्थित नहीं है? तो इसमें देखेंगे हम, यह जो बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र नागौर बीकानेर जोधपुर के सम्मिलित है लेकिन श्री गंगानगर में यह गंगानगर जिले में यह स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो लाठी सीरीज लाठी श्रेणी है वो किससे संबंधित है? तो लाठी श्रेणी है वो जलामृत से रिलेटेड है, अर्थात यहाँ पानी की मात्रा वाली श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, चौहान शासकों की जो प्रारंभिक राजधानी वो कौन सी थी? तो चौहान शासकों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो आई छत्रपुर थी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, मेवाड़ चित्र शैली का सबसे जो प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है? वो आपके सामने है रावत प्रतिकर्मण सूत्र चोरणी, ये जो चित्रित ग्रंथ है ये सबसे पुराना चित्रित ग्रंथ है, विजयशाही एक प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, तो विजयशाही एक पगड़ी का प्रकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, तो वह जिला इसमें दिया गया है तो जोधपुर जिला है, इसकी जो सीमा है पाकिस्तान भारत सीमा पर स्थित नहीं है, बाकी गंगानगर जैसलमेर बीकानेर की जो सीमाएं हैं पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित हैं। राजस्थानी भक्त कवियत्री गौरीबाई रो जलम कठे हुयो, तो का जो उत्तर आएगा दोस्तों ये उत्तर आपका रहेगा डूंगरपुर से संबंधित हैं गौरीबाई आपकी 18वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेवाड़ के एकलिंग मंदिर का निर्माण पे कुछ त्रुटि हो सकती इस क्वेश्चन में, तो लेकिन इसका जो निर्माता बप्पा रावल आएगा, क्वेश्चन आंसर रहेगा बप्पा रावल सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में ब्लैंक स्पेस श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो इसमें आपका जो रक्षित प्रकार के वन है ये सर्वाधिक श्रेणी में है। नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सपेरों की कौन सी लोक वाद्य प्रसिद्ध है? तो सपेरों की जो पुंगी नाम से, आपका ए जो आंसर आएगा ये सही रहेगा दोस्तों। पुंगी जो है ये वाल्दा सिरोही के लिए, इस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जो वाल्दा सिरोही क्षेत्र है तो आपका टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है वाल्दा सिरोही। अगला क्वेश्चन है, 18 सितंबर 1857 को जो बिथोड़ा स्थान पर बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था, मारवाड़ की राज्य सेनाओं को किसने पराजित किया था? ये किया था ठाकुर कुशाल सिंह सेना ने, बिथोड़ा के युद्ध में इनको पराजित कर दिया था। झालावाड़ी मुख्य बोली है, झालावाड़ जी मुख्य बोली की बात करें तो झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र अंचल से संबंधित आता है, तो ये हाड़ौती बोली यहाँ की प्रमुख रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का जो प्रशासन है वो किस राज्य को सौंप दिया था? तो जो ये 5 जनवरी 1949 को बंबई राज्य को इसका जो प्रशासन है वो सौंप दिया गया था पहले, बाद में इसको बंबई में सौंप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के जो विस्तार का जो अंतर है वो कितना रहने वाला है दोस्तों? जो आपके जो विस्तार का अंतर है वो ऑप्शन नंबर सी 43 किलोमीटर के आपका आंसर आ जाएगा। रेड कोर की स्थापना कब की गई? तो रेड कोर की जो स्थापना है वो अक्टूबर 2004 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का जो सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावे के रूप में जाना जाता है वो किस तिथि को आता है? तो वो आखा तीज को अबूझ सावे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, बेवाण कला किससे संबंधित है? तो जो आपकी जो बेवाण कला है वो एक कास्ट कला है, बेवाण कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकवाली जो निक्षेप क्षेत्र है वो आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो कहाँ स्थित है? तो महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो बारडोली अर्थात बांदोली में स्थित है, ये आपका डी ऑप्शन सही रहने वाला है। 1950 से 1953 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य जिस पुरातत्व वेता का प्रमुख योगदान रहा? तो जो ये पुरातत्व वेता है ये आपके रहेंगे ऑप्शन नंबर डी अमलानंद घोष। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास बेड़च कोठारी नदियों के तटों में फैली हुई थी? तो ये जो आपकी थी आहड़ सभ्यता, ये क्वेश्चन, ये सी आंसर आपका ठीक रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, बीकानेर के जूनागढ़ जिले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थापित हैं? बीकानेर के जो जूनागढ़ दुर्ग पे दो सूरवीरों की जो मूर्तियां स्थापित हैं वो जैमल और फत्ता, इनकी मूर्तियां हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जो जिले हैं वो कौन से हैं? तो आपके जो सोयाबीन उत्पादक जिले आपके कोटा, बूंदी, बारह, आपका जो हाड़ौती क्षेत्र है ये क्षेत्र रहने वाला है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहने वाला है इसमें। नेक्स्ट आपका बाब बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बाब बोल्डर बेड है, ये आपकी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये जोधपुर क्षेत्र में स्थित है। कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति नी है, आपको ये पहचानना होगा, नहीं है मतलब नहीं है। तो इसके अंदर जो कन्हैयालाल सेठिया जी की कृति नहीं है वो है कौन मृगला, ये नहीं है। बाकी मिंजर, लीलटांस, मायरड्रो, हेलो, ये तीनों कन्हैयालाल जी की कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात, डामोर जनजाति
डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो जो डामोर जनजाति है वो मुख्यतः डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करें तो जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 में किया था? तो ये आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा, भगवंत दास ने किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, तो आपका जो ये जिला जोधपुर जिला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश मुख्य क्षेत्र में बीहड़ पाए जाते हैं, बीहड़ उत्कार क्षेत्र? तो आपके जो चंबल बेसिन क्षेत्र में है बीहड़ उत्कार क्षेत्र, आपका डी ऑप्शन सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो क्या देखेंगे आप, जाम्भोजी ऑप्शन सी ने गोरखनाथ जी से शिक्षा ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि को क्या कहा जाता है? तो आपकी जो ये कृषि विधि है दोस्तों, तो ये दजिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ये रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र सिंह, बाकी इन सबको मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक स्कूल की जो विशेषताएं हैं, आवासीय विद्यालय, सुविधा युक्त, किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान, ये सभी आपका उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में आ रहा है आपका, आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है, तो आपकी जो ये धारा है ये ऑप्शन आपका, किसी बालक को आयु का सबूत ना होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता, जो आपका ऑप्शन रहने वाला है ये ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, द एम ऑफ द बाल मित्रा, बाल मित्र योजना का जो उद्देश्य है, बाल मित्र का जो उद्देश्य है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1-5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी रहने वाली है? आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो संख्या है आपकी कार्य दिवस तो 200 होंगे और जो घंटे 800, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 46, इंदिरा रसोई योजना का जो संकल्प वाक्य, ध्येय वाक्य है वो क्या है? तो इसमें लगभग सब एक जैसे, लेकिन कोई भी भूखा ना सोई, ये इसका संकल्प वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, कुर्जा पक्षी जिले का शुभंकर है, तो आपके जोधपुर जिले का शुभंकर कुर्जा पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना लिखना अभियान, पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष रखी गई है? तो ये आपकी जो आयु सीमा है ये 15 वर्ष रखी गई, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। फिर आता है, ददरेवा जो स्थान है वो किस लोक देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो ददरेवा जो गोगाजी का जन्म स्थल ददरेवा चूरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान किया जाता है? ये जो अनुदान है अब 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। नंबर 51, सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन जो प्रोजेक्ट का आरंभ है वो कब किया गया था? ये 1961 में किया गया है। भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है वो हमें ग्राम सभा के बारे में बताता है? एक आपका ऑप्शन नंबर सी 243A, ये ग्राम सभा के बारे में बताता है।
क्वेश्चन नंबर आपका 53, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? बीकानेर जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित क्वेश्चन है, में जो पात्रता है वो क्या रहेगी? पात्रता है वो हेयर ड्रेसर, दर्जी, प्लम्बर, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स, ये सभी इस प्रकार के लोगों को क्रेडिट कार्ड के थ्रू गवर्नमेंट योजना में लाभ प्रदान करेगी। तो सभी 1, 2, 3, 4 जो कथन है वो सारे सही है इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 55, आरटी अधिनियम 2009 धारा 8(9) के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का जो दायित्व है वो आपका राज्य सरकार का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र कितने प्रांत के लोक सेवा आयोग में कार्यरत थे? तो प्रांत ऐसे थे जहाँ पे कार्यरत थे। सेवन नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। देखेंगे राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस योजना, यह आपका पहला कथन है जो 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हुई। दूसरा है, योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना है, जो आपका कथन है वो एक नंबर तो गलत रहेगा और दूसरा जो कथन है वो सही रहने वाला है। गोरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह जो मकबरा है यह आपके बांसवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरासत योजना के जो अंतर्गत है, विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के जो पुरुष हस्तशिल्पियों की जो ब्याज दर के रूप में ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, तो ये जो ऋण है वो 5% की दर से उपलब्ध करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में शिक्षा जो सूची है वो किस विषय की सूची है? शिक्षा, तो ये आपकी जो समवर्ती सूची का विषय, शिक्षा जो समवर्ती का सूचा विषय है। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये आपके संगीत क्षेत्र से संबंधित है केसी मालू। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, फुल फॉर्म ऑफ डाइट, डाइट का जो पूरा नाम क्या है? जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यह किस खनिज के लिए है? तो ये जस्ता खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मिशन बुनियाद कार्यक्रम, मिशन बुनियाद कार्यक्रम का जो आरंभ है वो कब हुआ था? तो का जो कार्यक्रम का आरंभ या शुरुआत है वो 5 सितंबर 2022 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, जोधपुर में आईटी जॉब फेयर जो नौकरी मेला है उसका आयोजन कब किया गया? तो आपका जो ये आईटी मेला, इसका जो आयोजन है वो किया गया था दोस्तों 11 से 13 दिसंबर को 2022 को। गिरि सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? गिरि सुमेल का युद्ध है जनवरी 1544 में लड़ा गया है। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? तो यहाँ पे आपके 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो आपके जो आयोग दिए हुए इनको काल क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 2, 4, 5, 1, 3, ये आपका ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उत्तर है आपका चंद्रमा की आकर्षण शक्ति।
निम्नलिखित महाजनपद में ये चंपा किसकी राजधानी थी? आपकी जो चंपा थी ये अंग राज्य से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने बीआर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ये अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है वो मूल संविधान में नहीं था वरन संवैधानिक संशोधन के द्वारा जिसे जोड़ा गया था? क्या आपका पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों से संबंधित रक्षा करना से संबंधित जो संशोधन ये बाद में जोड़ा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका जो शीघ्र विघटन के बाद जो नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है यह असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो 1 और 3। एओ डूम कौन थे? तो ये एक सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है? छावनी बोर्ड सीधा केंद्र द्वारा प्रशासित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इसमें जो प्रधानमंत्री है वो आपके क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ही आपका सही रहने वाला है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? तो ये जो व्यवस्था है वो मणिपुर राज्य में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है विदेशियों को नहीं? तो जो आपका जो ये मौलिक अधिकार है दोस्तों, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है, ये आपका राइट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95, 1191 में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी? का जो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है, ये जो शासक आपका पृथ्वीराज चौहान, नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, इसमें जो आपका जीवन स्तर है ये इससे संबंधित नहीं है? दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह के अधिकतम संख्या वाले जिले का जो नाम है वो आपका जो अलवर जिला है, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन 97 का। 98 नंबर क्वेश्चन, बात करें निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें आपका जिला आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं में 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं, ये गलत ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन 99, निम्न में से कौन सा राजस्थान के राज्य कृषि विपणन बोर्ड का नहीं है, तो ये रहेगा आपका कृषिगत जो उत्पादों की कीमतों का निर्धारण करना है ये इसका कार्य नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, तो ये 27.5 दिन आपका सही आंसर रहने वाला है। उष्णकटिबंधीय बागवानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों तथा फसलों को सम्मिलित कीजिए, तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, तो ये जो आपका राइट आंसर इसमें रहेगा दोस्तों, ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। अब आता है अगला क्वेश्चन, सुमेलित करिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 2021-22 में जो सेवा क्षेत्र में सकल जोड़े के मूल्य में वृद्धि का अनुमान है वो 8.2% का अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया है, तो ये बनाया गया था, ये 2013 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के रूप में किस क्षेत्र में जाना जाता है, तो ये गिनी तटीय क्षेत्र में इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 106, 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य था, तो ये आपका जो राज्य है केरल, इसमें सही ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है, तो आपकी झील मिशिगन झील है वो शिकागो शहर से संबंधित है। समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका 1013.25 MBA है, राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सही अभिव्यक्ति है, तो आपका ऑप्शन सी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इजिकल्स टू सकल राष्ट्रीय उत्पाद इतिहास एवं संसाधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद इजिकल्स टू राष्ट्रीय आय रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से ताक की शर्तों शामिल नहीं किया जा सकता, तो इसमें जो उधार लेने वाले व्यक्ति चाहे इसे नहीं किया जा सकता। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, तो वो लेखक है इसके दादा भाई नवरोजी। क्वेश्चन नंबर 112, नेक्स्ट, भारतीय भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित किस प्रदेश में की जाती है, अर्थात भूमध्य सागरीय प्रकार की जो कृषि है वो आपके कैलिफोर्निया में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, WTO विश्व व्यापार संगठन का स्थापना वर्ष पूछा है, तो जो आपका 1995 है ये आपका राइट आंसर रहेगा। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114, उत्पादों की मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की जो गणना करने का वैकल्पिक तरीका है, क्या आपकी जो व्यय विधि है ये आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र का ऋण स्रोत है, तो आपका जो साहूकार व व्यापारी दोनों ये रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 116 में, राजस्थान में मूंगफली की जो प्रमुख मंडी है, मूंगफली की प्रमुख मंडी बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में राजस्थान में किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कटिबंधियों की स्थाई पवन कौन सी है, तो उष्ण कटिबंधों की जो स्थायी पवन है वो व्यापारिक पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020-21 में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध घरेलू उत्पाद वाला राज्य कौन सा बना है, तो ये राज्य था आपका महाराष्ट्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इंग्लैंड जो औद्योगिक क्षेत्र है वो किस देश में स्थित है, तो न्यू इंग्लैंड है वो आपकी USA में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्राथमिक उद्देश्य था, इंडिया कंपनी का आपका जो प्राथमिक उद्देश्य वो क्या था, वो उद्योगों का विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता, तो इसमें जो बोलने का अधिकार है वो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2020-21 सकल जोड़े गए मूल्य
में औद्योगिक क्षेत्र का अंश था, औद्योगिक क्षेत्र का जो अंश था वो कितना था 25.9। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना, तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक अन्य उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो आपका ये जो कंपात क्षेत्र है ये इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है, तो ये आपकी जो अभिरुचि है ये आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक सोपान के रूप में पाया जाता है, तो आपकी योजना का आयोजन करना सही उत्तर रहेगा। शैक्षणिक कार्य में एक रस्ता को कम करने के लिए जो मूल्य अवसर प्रदान करते हैं, तो ये मनोरंजनात्मक उत्तर आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है, तो आपका जो परंपरागत उपागम रहेगा ये विषयगत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श के लिए आपका ये ऑप्शन NCTE रहने वाला है। अगला क्वेश्चन हम शब्दावली खोज तालिका का मिलान करेंगे, तो इसका जो सही ऑप्शन रहने वाला है आपका डी रहने वाला, ए में 3, ए 4, सी 2 और डी 1 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हमारे देश में विद्यालय स्तर पर जो धारणा इस पक्ष में सामाजिक, तो जो सही उत्तर है वो एकीकृत विषय रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका का उत्तर, निम्नलिखित प्रयोजन विधि को व्यवस्थित कीजिए, तो आपका इसमें सही उत्तर है सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फाइव। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब को आयोजित महत्व गतिविधि अभिलेख रखता है, तो इसमें जो आपका जो सच है उत्तर है, विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चला हम किस प्रकार के, तो ये नैमितिक बंधन से संबंधित रहेगा। न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक गतिज बुद्धि रखने वाले बच्चों की जो अंतिम अवस्था का जो निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है, तो ये जो मृतक की अवस्था है वो अंतिम हो सकती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अक्षम बालक की जो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, ये सभी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में CS किसे इंगित करता है, तो ये ध्वनि की घंटी है को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के अनुसार बुद्धि पहिए जो बुद्धि परीक्षण मापता है, तो सही उत्तर आपका रहेगा वो रहेगा विनय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मास्लो के अनुसार आवश्यकता है दैहिक, सही ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, बालक सीधे बाएं हाथ से ना दिखता है, तो वह कौशल के अधिगमंत्रण का, तो ये पार्श्विक अधिगमंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरण चक्र से संबंधित नहीं है, तो ये आपका जो संवेग है ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है, ये आपका लंबित है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड में कितने प्रकार के रूलर, दो प्रकार के रूलर होते हैं MS वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोखिमपूर्ण अवशिष्ट होते हैं, तो इसमें आपके बैटरी, पेंट और सॉल्वेंट सही जोखिमपूर्ण अवशिष्ट। नेक्स्ट, कैश मेमोरी और बीच में बफर का कार्य करती है, तो ये सी और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन आपका, एक पेंटाबाइट इक्वल्स टू 1024 टेराबाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, और आपका लास्ट जो क्वेश्चन है ये रहेगा आपका, एक डाटाबेस में SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने का काम करता है वह है ड्रॉप इंडेक्स। ये आपके आंसर की 50 क्वेश्चन पूरे हो गए।